हेलो, देसी कॉर्नर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर आपके लिए कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ लेके आए हैं जो हो सकती है इस मार्केट में अट्रैक्टिव डील। सो प्रॉपर्टीज़ की डिटेल देखेंगे, कहाँ पे लोकेटेड है, उसके बाद हम देखेंगे उसके क्या है फाइनेंशियल्स, कितनी कॉस्ट पड़ेगी आज की डेट में उसको होल्ड करने के लिए। सो पहली प्रॉपर्टी कौन सी लेके आए नवदीप जी आप? ये जो पहली प्रॉपर्टी है ब्रैम्पटन वेस्ट में अवेलेबल है, सिंगल फैमिली के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। 3 बेडरूम के साथ 2 वॉशरूम अवेलेबल हैं। जो बेसमेंट है इसकी वो ओपन कंसेप्ट में है। 3 पार्किंग स्लॉट्स अवेलेबल हैं, इसमें अटैच्ड गैरेज है। और जो डेमोग्राफी की अगर बात करें तो जो बस स्टैंड है माउंट गो प्लाजा, वो उसके नियर में है। शॉपिंग प्लेस साथ में ही है, पास में ही पार्क है, स्कूल है। और अच्छा लॉट साइज भी मुझे नजर आ रहा है। सो किस प्राइस में लिस्टेड है ये प्रॉपर्टी नवदीप जी? ये अंडर 8 लाख अवेलेबल है। सो इसके नंबर क्रंच करते हैं अभी, तकरीबन 799 में ये लिस्टेड है जी प्रॉपर्टी। 799 के हिसाब से अगर क्रंच करें नंबर, तो इसका जो टैक्सेस है 3874 है। सो अगर उसके हिसाब से नंबर देखें तो डाउन पेमेंट अगर 20% हम दें जी तो 6% आज की रेट में इंटरेस्टेड जो नॉर्मल है ही, तकरीबन 3 ईयर का अगर लेते हैं आप तो 25 ईयर की अमोर्टाइजेशन होती है कैनेडा में। सो प्राइस एप्रिसिएशन हम सिर्फ कैलकुलेशन है, जो एस्टिमेशन है 4%, नॉर्मली 5 to 6% रहता है GDA में लॉन्ग टर्म अगर एप्रिसिएशन के हिसाब से देखें। तो ओके टर्म हम सिर्फ 5 ईयर का सोच रहे हैं, अभी 5 ईयर के लिए किसने होल्ड करनी है। तो उसके हिसाब से जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं आपके लिए, तो डाउन पेमेंट बनती है तकरीबन 1,60,000 के आसपास। ओके सो तो टोटल मॉर्गेज जो अमाउंट आपकी बचेगी उसके बाद, तो 6,40,000 के नीचे बचेगी, राइट। सो क्लोजिंग कॉस्ट, क्योंकि डाउन पेमेंट के ऊपर आपको क्लोजिंग कॉस्ट भी पड़ेगी, जिसमें लैंड ट्रांसफर टैक्सेस आता है, लॉयर की फीसेस वगैरह आ जाती है, राइट, होम इंस्पेक्शन एंड ऑल। टोटल मिला के आपको तकरीबन तकरीबन 1,70,000 के आसपास चाहिए होगा, अगर 20% के साथ अगर आप डाउन करते हैं, अगर आप क्लोज कराते हैं प्रॉपर्टी को। ओके अगर हम उसके बाद मॉर्गेज में आपकी पेमेंट कितनी बनेगी, 6% के हिसाब से 25 ईयर अमोर्टाइजेशन के साथ, इसमें आपका प्रिंसिपल भी ऑफ कोर्स पेड होगा। सो 4,100 के आसपास आपकी मॉर्गेज की अमाउंट बनेगी मंथली, प्लस टैक्सेस। सो टोटल जो आपकी कैरी ऑन कॉस्ट पड़ेगी 41 दिखा रहा है, ऑलमोस्ट आप मान के चले 4,500 के अंडर आपको ये आपकी मंथली कैरी ओवर कॉस्ट पड़ेगी। अगर आपने खुद ने रहना है तो आपको ऑफ कोर्स यूटिलिटीज भी देनी पड़ेगी, राइट, ऑन द टॉप ऑफ दैट। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें, फिर मैं कहता हूँ दिस इज जस्ट एस्टिमेशन, राइट। आपका जो एप्रिसिएशन खास करके, जो 4% भी हो सकती है, 6% भी हो सकती है, 2% भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द मार्केट। सो लेकिन एवरेज जो होती है 6% होती है यहाँ पे GTA में, तो हम 4% मान के चल रहे हैं। तो उस हिसाब से आपकी एप्रिसिएशन हो सकती है 5 साल में 1,70,000 के आसपास, प्लस आपकी डाउन पेमेंट जो प्रिंसिपल में हो जाएगा, तो एंड जो आपने इनिशियल डाउन पेमेंट दिया, तो टोटल इक्विटी नेक्स्ट 5 ईयर में हो सकती है 4 लाख के आसपास इस प्रॉपर्टी की। सो ये तो थे इस प्रॉपर्टी के नंबर। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है जी आपके पास। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी मैकलॉडगन रोड पे ही ब्रैम्पटन में अवेलेबल है, और सिंगल फैमिली के लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है। 2 स्टोरी हाउस है, टाउन हाउस है बेसिकली ये, और 3 बेडरूम के साथ 3 वॉशरूम के साथ ऑप्शन अवेलेबल है। लॉट साइज इसका अच्छा है, 78.87 का जो लॉट साइज अवेलेबल है। लेटेस्ट रेनोवेटेड हाउस है, इसमें लेटेस्ट रेनोवेटेड किचन है, लेटेस्ट अप्लायंसेस अवेलेबल हैं, 1 बेडरूम बेसमेंट अवेलेबल है, और 2 पार्किंग स्पॉट्स अवेलेबल है बेसमेंट इसमें। अच्छी बनी हुई है, और मैं बेसमेंट देख रहा हूँ इसमें, या इसकी बेसमेंट जो है रिसेंटली रेनोवेट हुई हुई है, और डेक पीछे अच्छा बना हुआ है इस प्रॉपर्टी या का। बैकग्राउंड में बहुत अच्छी स्पेस है, आप अच्छे से टाउन हाउस के हिसाब से अच्छी स्पेस लग रही है, अच्छी प्रॉपर्टी मेंटेन्ड लग रही है, और डेमोग्राफी भी अच्छी है इसकी, राइट। और डेमोग्राफी के हिसाब से देखिए कौन सी फ्लेचर कम्युनिटी में है। यस फ्लेचर कम्युनिटी में अवेलेबल है, पास में ही पार्क है और पास में ही स्कूल है, ट्रांजिट ऑप्शन अवेलेबल पास में ही है। जी तो अब इसके नंबर क्रंच करके देख लेते हैं हम। ये 839 में लिस्टेड है एक्चुअली, और ऑलमोस्ट 840 का लिस्टेड है ये, और प्रॉपर्टी टैक्सेस इसके 3560 है, और प्लस इसकी जो कॉन्डो फीस है ये इसकी तकरीबन 125 रुपये के आसपास आएगी, बिकॉज़ ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी कॉन्डो फीस भी लगेगी थोड़ी सी। सो इसके नंबर आप देखेंगे, जैसे 20% के साथ हम डाउन पेमेंट के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, 6% इंटरेस्ट रेट एंड 25 ईयर की अमोर्टाइजेशन।
इसके नंबर निकल के आते हैं, आपको अगर 20% डाउन देते हैं तो आपको तकरीबन आपके लिए 1,70,000 आपके हाथ में होने चाहिए, एंड बाकी जो आपकी मॉर्गेज जो बचेगी इस पे 6,70,000 के आसपास बचेगी। सो क्लोजिंग कॉस्ट के लिए थोड़े से और पैसे चाहिए होते हैं क्योंकि लैंड ट्रांसफ़र टैक्स लगता है, लॉयर की फ़ीस होती है, तो टोटल आपको क्लोजिंग कराने के लिए 20% डाउन के साथ आपको 1,80,000 के आसपास आपको मान के चले आपके पास होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो आपकी मंथली कैरी ऑन कॉस्ट पड़ेगी इस इंटरेस्ट रेट में, जो अभी बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है 6% के हिसाब से मान के चलते हैं, सो आपको 4,300 के आसपास उसकी मॉर्गेज पेमेंट बनेगी एंड प्रॉपर्टी टैक्सेस 300 के आसपास बनेंगे और कॉन्डो फीस आपकी मंथली जो बनेगी 125। सो टोटल आपको जो कैरी ऑन कॉस्ट बनती है 4,700 to 4,800 के बीच में आपको ये इसकी कैरी ऑन कॉस्ट पड़ सकती है। सो अगर हम रिटर्न कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो जो आपका प्रिंसिपल पेड हो जाएगा ओवर द 5 years, नेक्स्ट 5 year में ऑलमोस्ट 67,000 के आसपास होगा। जो ग्रोथ रेट है, ये एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है, नेक्स्ट 5 year में आ भी सकती है, ज़्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है, बट एवरेज जो होती है 6% होती है, तो हम मान के चल रहे हैं 4% यहाँ पे, उसके हिसाब से 1,80,000 में आपकी एप्रिसिएशन बन सकती है इस प्रॉपर्टी में, प्लस आपका जो इनिशियल डाउन पेमेंट किया है टोटल मिला के 4.25 लाख के आसपास आपकी इसकी टोटल इक्विटी बन सकती है नेक्स्ट 5 year में। सो ये है इसके नंबर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे ऊपर चलते हैं अभी। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये भी ब्रैम्पटन वेस्ट में अवेलेबल है, सिंगल फैमिली के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, 3-story हाउस है, सेमी डिटैच्ड है, 3+1 बेडरूम के साथ साथ 4 वॉशरूम की ऑप्शन अवेलेबल है। फोर वॉशरूम इस प्रॉपर्टी में, इसमें 4 ऑप्शन है और जो लॉट साइज भी इसका बहुत अच्छा है, 29x100 का जो है जो लॉट साइज है, और साथ में बेसमेंट है, 2 पार्किंग स्पेसेस अवेलेबल हैं, और अगर डेमोग्राफी की ऑप्शन देखें तो मैडॉक कम्युनिटी है उसमें अवेलेबल है, साथ में ही पार्क है, साथ में ही ट्रांजिट ऑप्शन है, शॉपिंग सेंटर साथ में ही है, और मेंटेन भी बहुत अच्छे से करी हुई है। बिल्कुल जी, अब इसके नंबर क्रंच करके देख लेते हैं कितने ये लिस्टेड है, ऑलमोस्ट 8 लाख में, राइट जी। सो प्रॉपर्टी टैक्सेस थोड़े से हायर साइड है, 4,200 के आसपास, इसमें कॉन्डो फीस भी है बिकॉज कॉन्डोमिनियम यूनिट है। सो अगर 20% डाउन के हिसाब से 6% इंटरेस्ट रेट मान के चलें और 25 ईयर की अमोर्टाइजेशन लें इसमें, तो जो एनुअल अप्रिसिएशन हम मानते हैं 4% आती है फॉर द लॉन्ग टर्म, उसके हिसाब से नंबर हम क्रंच करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सो इसमें आपको 1,60,000 के आसपास आपके लिए आपके पास डाउन पेमेंट होगी, होनी चाहिए, राइट। सो 20% अगर देनी है तो फिर बाकी जो मॉर्गेज अमाउंट बचेगी 6,40,000 से नीचे बचेगी आपको, बट थोड़ी सी क्लोजिंग कॉस्ट पड़ेगी आपको जिसमें लैंड ट्रांसफ़र टैक्सेस आते हैं, लॉयर की फ़ीस वगैरह आ जाती है। सो टोटल क्लोजिंग के लिए आपको चाहिए होगा इन हैंड 1,70,000 के आसपास। सो उसके बाद जो मंथली कैरी ऑन कॉस्ट पड़ेगी, मॉर्गेज की अमाउंट पड़ती है आपकी 4,100 के आसपास, प्रॉपर्टी टैक्सेस 350 के आसपास एंड कॉन्डो फीस 333। सो टोटल आपको कैरी ऑन कॉस्ट पड़ रही है 4,800 फॉर दिस हाउस। हाउस इज़ क्वाइट नाइस एक्चुअली अगर स्पेस के हिसाब से देखें। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट की करने की कोशिश करते हैं। आपका इनिशियल जो आपने डाउन पेमेंट दिया वो 160 है, उसके बाद आपका प्रिंसिपल जो पेड हो जाएगा ऑलमोस्ट 64,000 के आसपास होगा नेक्स्ट 5 year में, इस 5 year के नंबर ही हम देख रहे हैं सिर्फ, एंड ग्रोथ रेट तो 4% एवरेज मान के चले, अगर वो मिलती है हमें इस मार्केट में, थोड़ा सा डाइसी है बट अगर वो मिलती है तो 1,70,000 के आसपास एप्रिसिएशन होनी चाहिए आपको, तो टोटल 4 लाख के आसपास इक्विटी बन सकती है। ये एस्टिमेट नंबर है जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। सो ये टोटल ये नंबर निकल के आ रहे हैं इस प्रॉपर्टी के। सो बाकी आपको अगर कोई डिटेल चाहिए होती है तो हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपकी अगर कोई फेवरेट प्रॉपर्टी है वो भी हमें आपके लिए बेस्ट हो सकती है। ये बड़ी अच्छी लोकेशन पे अवेलेबल है, सिंगल फैमिली के साथ 3-story हाउस है, टाउन हाउस है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, 3+1 बेडरूम के साथ ऑप्शन अवेलेबल है, और 3 वॉशरूम इसमें है, और लॉट साइज इसका भी अच्छा है, 18x86 का जो है इसमें लॉट साइज अवेलेबल है। सबसे अच्छी अगर आप चाहते हो कि आपको इनकम भी साथ साथ रहे तो फिनिश बेसमेंट है इसमें जो कि वॉकआउट है। Wow, that's good option, yeah. और 2 पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, अटैच गैरेज है, और अगर डेमोग्राफी की बात करूँ तो अच्छी जगह पे है, पास में ही ट्रांजिट ऑप्शन अवेलेबल है, पार्क साथ में ही है, स्कूल साथ में है, जो कम्युनिटी है वो मेडोवेल कम्युनिटी में अवेलेबल है।
सो इसके नंबर्स अभी देखते हैं, ऑलमोस्ट 9 लाख के आसपास ये लिस्टेड प्रॉपर्टी है, 899 टू बी प्रिसाइज। सो इसके जो प्रॉपर्टी टैक्सेस है मिसिसागा में थोड़े से ज़्यादा है हमें मालूम है, 4600 के ऊपर हैं थोड़े से। सो 20% डाउन अगर आप करते हैं तो 6% के साथ 25 ईयर की मोटिवेशन के साथ आप कैलकुलेट करते हैं तो 4% हम एप्रिसिएशन इसमें देखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए। सो इसमें जो नंबर निकल के आएंगे आप भी देखते हैं, आपको डाउन पेमेंट 9 लाख के हिसाब से तो आपको 1,80,000 आपके पास होना चाहिए डाउन पेमेंट अगर 20% आप करना चाहते हैं। हो सकता है आप उससे नीचे भी थोड़ा बहुत क्वालिफाई कर सकते हैं, डिपेंड्स आपके पेपर्स कैसे हैं। सो मॉर्गेज की अमाउंट जो बाकी बचेगी वो आपको 7,20,000 के आसपास की मॉर्गेज उठानी पड़ेगी। सो प्लस क्लोजिंग कॉस्ट जो आपकी होगी वो पड़ेगी तकरीबन आपको 14,000 ओंटारियो का लैंड ट्रांसफ़र टैक्सेस बाकी दूसरी फीसेस को मिला के। सो 12,400 के आसपास आपकी क्लोजिंग कॉस्ट पड़ जाएगी इस प्रॉपर्टी के ऊपर, जो एस्टिमेट आपको आएगा टू स्टार्ट विद 1,90,000 आपको चाहिए, 1,90,000 से लेके 2 लाख के आसपास आपके पास है तो प्रॉपर्टी आप इसमें इजीली आराम से क्लोज कर सकते हैं। मींस अप्रोक्सीमेट अगर आपके पास 2 लाख है तो आप इसको क्लोज करवा सकते हो जी, प्रोवाइडेड आपका अप्रेजल सही आ जाता है तो। बाकी रही जो मंथली कैरी ऑन कॉस्ट की बात, उसमें आपको पड़ेगा मॉर्गेज की जो अमाउंट आएगी वो 4639 450 के आसपास पड़ेगी आपको 6% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और प्रॉपर्टी टैक्सेस जो बनेंगे ऑलमोस्ट 400 के आसपास बनेंगे, तकरीबन 5000 की आपकी मतलब पॉकेट से पैसा निकलेगा हर मंथ इस प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए। सो अगर आप जैसे रेंट पे देते हैं तो अगर आप रहते हैं इस प्रॉपर्टी में सो ऑफकोर्स आपको यूटिलिटी भी उसके हिसाब से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो ये ऑनेस्ट नंबर हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बाकी रही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात, वो अगर आपका प्रिंसिपल देखे तो 72,000 के आसपास पेड हो जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर में, तो बाकी आपने टोटल डाउन पेमेंट दी है प्लस एप्रिसिएशन देखे तो अगर 4% एप्रिसिएशन मिलती है नेक्स्ट 5 ईयर में तो इस मार्केट में आप कुछ कह नहीं सकते, ज़्यादा भी हो जाती है नॉर्मली 6-7% भी मिलती है टोरंटो में, खासकर मिसिसागा में एरिया में। तो 4% के साथ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो टोटल इक्विटी उसके हिसाब से आपको बन जाएगी 4.5 लाख के आसपास नेक्स्ट 5 ईयर में अगर ये प्रॉपर्टी आप होल्ड करते हैं। सो ये नंबर इसमें निकल के आते हैं। बाकी आपकी कोई फेवरेट प्रॉपर्टी है जो आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं सो हमें आप लिंक भेज सकते हैं इस वीडियो के नीचे, आप हमें व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आज के लिए फिर इतना ही, तो थैंक यू सो मच नवदीप। तो नेक्स्ट फिर लेके आते हैं एक दो दिन में फिर नई प्रॉपर्टीज। जी शुक्रिया जी, आप अपना रखिए ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।